गोलीबारी के आरोपी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश तोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए तलहा उर्फ साहिब को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। यानी आज से परसों छाता मस्जिद के समीप एक तलहा नामक व्यक्ति के द्वारा एक इरफान नामक व्यक्ति के ऊपर 2 बार गोली चलाया गया था, जिसकी सूचना मिली थी लगभग शाम के 7 बजे के करीब। उसके पश्चात डेली मार्केट थाना द्वारा और डीएसपी कोतवाली के द्वारा इनको पकड़ा गया और उसके पास से एक कट्टा बरामद किया गया और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। इनका पुराना जो विवाद है वो पारिवारिक विवाद है, क्योंकि जो जिसके ऊपर हमला करा गया उसकी बहन की शादी जिसको पकड़ा गया उससे हुई है और इनका पुराने काफ़ी टाइम से विवाद चलता रहता है। तो काफ़ी बार इनमें पंचायत भी हुई है और पहले भी एक बार ये लोग लड़े हैं, तो पहले भी तलाक के ऊपर एक केस हुआ है और आज इसके ऊपर एक आर्म्स का एक्ट का केस एक और करा गया और उसको आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। 2 पिस्टल था इसके पास, तो एक बरामद हुआ है, एक नहीं बरामद हुआ। ये तो बचने के लिए इनका है, बट जैसे वो चेन तो बरामद हो गई है, वैसे जो दूसरा इसका है, जैसे 2 का सूचना था, जैसे 1 पिस्टल और 1 कट्टे का, तो कट्टा बरामद हुआ है। तो तालाब से नहीं ना, तालाब से नहीं हो पाया, दूसरे के घर से जहाँ इसने छुपाया था वहाँ पे दूसरा बरामद। बीते 29 मई की दोपहर पारिवारिक विवाद को लेकर तला उर्फ साहिब ने हिंदपीढ़ी थाना अंतर्गत खेत मोहल्ला में दोपहर के समय मोहम्मद शान के ऊपर हथियार तान दिया था। उसी दिन शाम को साहिब ने मोहम्मद शान के भाई मोहम्मद इरफान पर भी लेक रोड स्थित छादा मस्जिद के सामने गोली चला दिया था, जिसमें मोहम्मद इरफान बाल बाल बच गया। गोली चलाने की आवाज से वहां भीड़ लगने लगी। ये देखकर अभियुक्त तलहा उर्फ साहिब वहां से हिंदपीढ़ी थाना की ओर भाग गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।